Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Now we will solve question number 4, 5th and 6th of exercise 2.3. देखो जो question number 4th और 5th है, ये जो हमने पहले 3 parts की हैं, उन्हीं के जैसा है, उसी के similar है. तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हो. लेकिन थोड़ा सा जो alteration आ रही है, that is in question number 6th. क्या alteration है वहाँ पे देखो कि जो आप यहाँ पे 8x plus 4 तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो term आ रही है This is a multiplication of 3 with x minus 1 in the bracket. तो इसको क्या आपने कैसे सॉल्व करना है? इस नंबर को पहले आपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो यू विल गेट 3x. ठीक है जी. सिमिलरली आपने अब क्या करना है, 3 को सेकेंड एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है. तो सेकेंड एलिमेंट कौन सा है वहां पे? माइनस वन. अब आप 3 को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो यू विल गेट माइनस 3. तो जो साथ में वो एज इट इज आ जाएगा आपका. अब आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट एक साइड पे और वेरिएबल्स एक साइड पे. तो ये 7 माइनस 3 करोगे तो 4 प्लस ये 4 इधर आएगा तो माइनस 4 माइनस 4. तो दिस विल बी 8 माइनस 3 5x इज इक्वल्स टू 0. तो मैं यू गेट एक्स इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आपका एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया है. हमें वेरिफिकेशन भी करनी है. वेरिफिकेशन करनी तो पहले लेफ्ट हैंड साइड आएगी विच इज इक्वल टू 8x प्लस 4. यहाँ पे क्या आ गया, 8x की जगह पे 0 प्लस 4 क्यों आ रहा है? बिकॉज x इज इक्वल टू 0. 8 0 0 प्लस 4 4. नाउ ऑन राइट हैंड साइड दिस इज 3x माइनस 1 प्लस 7. तो अगेन यहाँ पे क्या करना है आपने, x की जगह पे 0 प्लस 7 क्यों कर रहे हो? बिकॉज x इज इक्वल टू 0. इसलिए हमने यहाँ पे 0 भी कर दिया. तो 3 एज इट इज 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 7. 3 माइनस 1 करोगे तो माइनस 3 प्लस 7. सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 4 विद पॉजिटिव. ये लेफ्ट हैंड साइड में 4 आ रहा है, राइट हैंड साइड में 4 आ रहा है, विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. और लास्ट में आपने लिख देना है हैंस वेरी फाइट. ठीक है जी. ये दोनों आपके जो पिछले हमने किए 3 क्वेश्चन उन्हीं के साथ सिमिलर है. तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था वो मैंने आपको बता दिया है. तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं.